गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यहाँ पे मैं टू क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे लेके आई हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती ही होती है। ठीक है, तो सभी बच्चों को हुई, इसलिए मैंने इन टू क्वेश्चन को मैं लेके आई हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन आपको 5/-9, -7/-12, -2, -(-), -5/-6, नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिनका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उन सबको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, -5/9। ठीक है, देखो ये क्यों होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, एक बार वो रिवाइज करते हैं। ये बेटे कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि मैं न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिनोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये माइनस माइनस, यहाँ पे ओनली माइनस नहीं है तो माइनस रह जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, एक जैसी टर्म के साथ। जैसे हमारे पास -5/9 है, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ भी कर सकती हूँ, मेरी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ऐसा हम मानते हैं मैथमेटिक फॉर्म में। ओके, तो ये क्यों हो रहा है वो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे आपको माइनस गिवन है 7, इट्स ओके, इसको ब्रैकेट में रखिए। लेकिन यहाँ पे जो 7 है आपको, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना, इससे पॉजिटिव करना है, भले ही यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, -7/12। ठीक है, ये नेगेटिव अलग है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, लेकिन ये नेगेटिव आपकी टर्म का है। ओके, नेगेटिव टर्म को शो करता है, -2। अब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ या नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि कोई भी आपके पास होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में होता ही है, आप अपॉन में 1, भले ही हम दिखाते नहीं है बट वो होता है। ओके, माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है बेटा, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया ना, तो ये क्या बन गई, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म बन गई। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, एम आई राइट? तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5/6। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा आपके पास, -5/9, -(-7/12), -2:1, माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा आगे बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अब -5/9 लिखेंगे बच्चा, देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +7/12, -2/1, +5/6। अब ये आपका क्वेश्चन आगे के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 36 यहाँ पे आया, सबसे पहले -5 लिखेंगे। अब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36, +7। 36 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 12 3 जा 36, -2। अब देखो 1 की 36 से कर रहे हैं तो डायरेक्ट 36 ही आएगा आपके पास, +5 × जब 36 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम, 6 6 जा 36। सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 36 से करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, +5 6 जा 30। अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म आपको गिवन है ना, उनको एक तरफ ऐड कर लेंगे और जो पॉजिटिव है उनको एक तरफ ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से ऐड करेंगे बेटे, क्या आ जाएगा, -71। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, -20, -72। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट -20 + 21, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो आपके पास प्लस का वन रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ -72 है तो मैंने इस +1 को क्या कर दिया, इसमें से डिडक्ट कर दिया। समझ में आया, क्या किया मैंने, यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये तो -20 है, ये +21 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करूँगी तो प्लस का 1 रह जाएगा आपके पास, है ना, और 72 में से +1 लेस करोगे तो माइनस का 71 बच जाएगा। ठीक है, प्लस
थर्टी, डिनोमिनेटर में 36। अब सोल्व करेंगे तो बेटे आपके पास क्या आएगा, माइनस 71 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 41 अपॉन 36। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 36 वन जा 36, टू जा पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1:2, 41 माइनस 36 5 अपॉन 36। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, सबट्रैक्ट 3/7 प्लस 5/-9 फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ 8/63। जो ये नेगेटिव वर्ड लिखा है ना, ये हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में किया है, जब हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम 8 को क्या बना रहे हैं, या हमारे जो हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको क्या बनाते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो बस यही एक पॉइंट था जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। अब करेंगे सोल्व, 3/7 जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे तो बेटे माइनस 5/9 फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ मीन्स -8/63। सोल्व करेंगे यहाँ पे, -8/63 फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओगे, जो आपकी टर्म एज इट इज पुट कर दीजिए। आगे सोल्व करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, -8/63 -3/7। अब देखो ब्रेकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस में टर्म आई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, बट यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 5/9। अब क्या करना है, अगेन हमें जो सबसे बड़ी टर्म है पहले देख लेते हैं, वो इन दोनों से डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमें देख रहा है 7 के टेबल में भी 63 आता है 9, तो इट मीन्स क्या करेंगे हम, 63 को यहाँ लिख देते हैं, -8 63 से डिवाइड करेंगे, बन जा पे -3 इंटू 63 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 9 टाइम्स, प्लस 5 इंटू 9 7 जा 9 63 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं कितने टाइम, 7 टाइम। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं बेटे क्या आएगा, -8 37 जा -27 प्लस 57 जा 35 अपॉन 63। सोल्व करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, -8 -27 -35 प्लस 35 अपॉन 63। -35 से प्लस 35 कैंसिल आउट, 0/63 आंसर विल बी 0। आई एम सॉरी, क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे आपका, -35, 8 और -27 को ऐड करेंगे, -35 प्लस 35, 35 से 35 कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आएगा, 0/63, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो 2 के 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।